मिर्जापुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से बीजेपी विधायक और नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु की बहस हो गई। दरअसल सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की टीम ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास अवैध कब्जे को हटाने पहुंची थी। मंदिर परिसर में बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर के जरिए हटाया गया और कार्रवाई के दौरान ही सदर सीट से बीजेपी विधायक राकेश राठौर गुरु मौके पर पहुंच गए और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह से उनकी बहस हो गई, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राज्य मंत्री ने कहा कि शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग अवैध रूप से बनी है लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि गरीबों की दुकानों को गिराया जा रहा है, जिसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई रोक दी गई। चबूतरा भी बनेगा और पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था कर रहे हैं। ये पट्टी दुकानदार जाएगा कहाँ? हाँ। और ये जाएगा कहाँ? यही इनकी रोजी रोटी है। 10,000-12,000 खोखा होता है। हाँ। अब इन पर बिल्डोजर चला देंगे, खोखा खत्म हो जाएगा, इनकी रोजी रोटी चली जाएगी। तो इनको जोन बनी है, जोन पे है जहाँ इनको ईओ साहब ने, एसडीओ साहब ने कह दिया है और वही जगह इनको उपलब्ध हो जाएगी, इनकी रोजी रोटी नहीं जाएगी, क्योंकि जिंदगी में हम भी खोखे से आए, दर्द है खोखे। देखिए किस तरीके से मंत्री जी और जो मजिस्ट्रेट है उनके बीच में बहसबाजी हुई, सुनिए। रोको, इसको रोको भी। इधर इन सबको बोल दिया गया है कि जो